से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। मैं आज आपको ऐसी ऐसी सुनाऊंगा जो आपने सुनी नहीं होगी मेरे से, वरना हंसाने की तो मेरे पास बहुत सारी बातें अभी कर ही दूंगा। मैं तो भाई साहब इतनी टेंशन की कोई बात करता ही नहीं है, तू कैमरे को ये टिका टिका ही कैसे? ये जमाना गया, अब तो नया जमाना आ गया फोटो खींचने का। आदमी तो कम करता है, उसका यूज लड़कियां ज्यादा करती हैं। अब लड़कियों को फोटो खींचना होते क्या करती है, मोबाइल निकाली। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बच्चे वो एक लड़की ने तो मेरे को फोन किया, बोला सर मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है और ठंड का टाइम आ गया तो क्या लगा के सोऊं? मैंने कहा देवी कुछ लगा मत लगा, लेकिन उनकी जरूर लगा के सोना, हमारा बहुत खराब चल रहा है, बहुत सारे डेरे वाले बाबा पैदा हो रहे हैं। तो भाई को टेंशन की बात करें भाई साहब, इतना टेंशन आजकल ऐसा जमाना चल रहा हूँ। मुंबई की चौपाटी पे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा, या लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही, बात तो कैसे भी करो। तो उसको हस्बैंड ने देख लिया, तो हस्बैंड देखेगा तू भाई को दूसरे के साथ, तो उसको तो मिर्ची लगनी तय है। आप तो समझ ही रहे होंगे बात, आपने तो लुगाई की इतनी व्यथा सुनाई थी। पर तुमने ये कहा 2005 में ब्याह हो गया था, इतनी तो एज नहीं लग रही यार। लगती है सही में 2005 में हो गई थी, 2005 के बाद दूसरी भी हो गई थी। मुंबई की चौपाटी पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही, तो उसको हस्बैंड ने देख लिया, हस्बैंड ने देखते ही कूटना स्टार्ट कर दिया बॉयफ्रेंड को, तो लड़की ने अपना पाला बदल लिया, वो उसके साइड में हो गई, बोला मार साले को, खुद की लुगाई को तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाइयां घुमाता फिरता है। तो ये देख के बॉयफ्रेंड को भी जोश आ गया, उसने हस्बैंड को उल्टा कूटना स्टार्ट कर दिया, तो लड़की उसके साइड में हो गई, बोला मार साले को, ना तो खुद घुमाता है ना दूसरे को घुमाता है। उस लड़की का नवजोत सिंह सिद्धू से कोई संबंध नहीं। खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए दो वक्त की रोटी जुटाएगा, मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डेड को स्वीकार नहीं है, भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है। कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है, उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कहकर के आ गए। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जिसके लिए टिफिन में हम रखते थे चॉकलेट, होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज लेट, उसके लिए तो खुद के पिताजी से लड़ गए, आया था जो भी बीच में उसी से भिड़ गए, छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे।
उसके पिताजी से भिड़ गए, आया था जो भी बीच में उसी से लड़ गए, छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे, लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए, चंबल में कूदने को परेशान हो गए, जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए। जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए, मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। फिर क्या किया मैंने, या एक नौजवान लड़के को अगर प्यार में धोखा मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए। अगर मेरी बात सही लगे आपको तो मैं कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, उससे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका आपको बताता हूँ। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों में गुजरा करती थी। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से ये नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा दूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवानी की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी कब्र में से एक आवाज आई, ये दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था आज मेरे चेहरे पे। ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था आज मेरे चेहरे पे नकाब है। और मैं कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका, मैं भाई की पढ़ाई में भी कुछ न कर सका, मैं बहन की विदाई में भी कुछ न कर सका, माँ भारती के कर्ज की किश्तें चुकाऊंगा, भारत से करो इश्क यही गीत गाऊंगा। और 2 पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहिए मुझे कि जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका, मैं भाई की पढ़ाई में भी कुछ न कर सका, मैं बहन की विदाई में भी कुछ न कर सका, माँ भारती के कर्ज की किश्तें चुकाऊंगा, भारत से करो इश्क यही गीत गाऊंगा, अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा, मैं दुश्मनों की गोलियों पे मुस्कुराऊंगा, लपेट तिरंगा बदन पे लौट आऊंगा, मैं चाहता हूं दुश्मनों को मार कर मरूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। और मैं चाहता हूं कि 2-3 और कविताएं आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले और नौजवानों की भी कविताएं सुन लेते हैं। दरअसल ये प्रोग्राम कराने का मानस मेरा ऐसे हुआ कि मैं तो खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग कराना चाहता था कि 2 साल में मैंने जो तो लिखा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो फिर मैंने सोचा यार इस बार में बहुत सारे नौजवान कवि हैं, उनको भी मौका मिल जाए। तो फिर मैंने कुलदीप विद्यार्थी से कहा, मैंने कहा यार ऐसा कुछ करते हैं, तो कुलदीप तैयार हो गया। फिर तन्मय कपूर से कहा, इसका स्टूडियो आ गया था मैं एक दिन देखने, मैंने कहा यहाँ पे अपना काम हो जाएगा,
यही तो मजमा जमा है। तो फिर बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता गया, फिर जैसे हमारे भाई साहब ने कड़क चाय की व्यवस्था करा दी, हालांकि आई नहीं अभी तक, और एक भाई साहब ने और व्यवस्था करवा दी, तो ऐसे सिलसिला जुड़ता गया। मैं तो ये चाह रहा था कि केवल कुटा कुटा के लोग आएंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि एक भाई तो चित्तौड़ से आया। वो जब खड़ा था तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था तुम्हारे जूतों की तरफ, सब तुम्हारे चेहरे की ओर देख रहे थे और मैं तुम्हारे जूतों की ओर देख रहा था, उसके जूते फटे हुए थे। तो मेरे भाई ऐसे ऐसे लोग आए तो बड़ा अच्छा लगा, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी दूर से आए, जूते खरीदने के बजाय आप यहाँ पर आए। और एक भाई झुंझुनू से भी आए हैं, कोई मुंबई से भी आए हैं, तो ये तो बहुत दूर दूर से आ गए लोग। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अब निरंतर ऐसा चालू रखेंगे, इसको करते रहेंगे। और नए नए कवियों को, नए नए कलाकारों को मौका मिलता रहे। और बस मेरा तो यही कहना है कि आप दिल से लिखो जो भी है ना, जब भी लिखना हो कुछ भी, या तो दिल से लिखो या फिर दिमाग से लिखो। आओ सोमानी जी, सोमानी जी और गर्दसाथ भी आ गए, ये भी हमारे मित्र है, दो दो मालाएं इनको भी चढ़ा दो।